तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में मृत्युंजय सभागार में आज के इस 69वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धेय कुलाधिपति जी की भाव उपस्थिति के मध्य हम लोग मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी आचार्य आचार्यगणों को विद्यार्थियों को मैं 69वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और विशेष रूप से आज की इन प्रस्तुतियों के लिए, क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता रही है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी शिखर को छूते नहीं हैं बल्कि शिखर को ज़मीन पर ला कर के खड़ा कर देते हैं। हर बार की प्रस्तुतियाँ और हर बार की उपलब्धियाँ एक ऐसे नए बार का निर्माण करती हुई नज़र आती हैं कि लगता है कि इसके सामने आज तक के सारे पिछले कार्यक्रम छोटे और बौने पड़ गए हैं। उनका जो सृजनात्मक अंदाज है, उनका जो रचनात्मक तरीका है, उनके जो भाव हैं, उसके साथ जो संदेश देने की कला है, उसके लिए मैं एक बार फिर से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पूरी टीम का, यहाँ के हमारे विद्यार्थियों का, संगीत सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का दिल से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। प्यारे मित्रों, 26 जनवरी 1950 का वो दिन था जब इस देश को गणतंत्र नसीब हुआ था। तिरंगे के रूप में हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज हमें प्राप्त हुआ। जनगणमन अधिनायक के रूप में भारत का राष्ट्रीय गान हमें प्राप्त हुआ और अभी उस घटना को 70 वर्ष भी नहीं गुजरे हैं, पर लगता है कि जैसे एक युग बीत गया है। आप कल्पना करके देखो कि अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए जब इसी धरती पर महात्मा गांधी के, भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के, अशफाक उल्ला खां के, राम प्रसाद बिस्मिल के, इनके कदम गुजरा करते थे। महर्षि अरविंद के आर्य, परम पूज्य गुरुदेव के सैनिक और महात्मा गांधी के स्वराज्य जैसे पत्र पत्रिकाओं के स्वर गूंजा करते थे। वो लोकमान्य तिलक की बुलंद आवाज, वो वीर सावरकर का त्याग बलिदान, सीमांत गांधी की घटनाएं कौन भूल सकता है। देखते देखते हम लोगों की आंखों के सामने ये 100 वर्ष गुजर गए हैं, एक शताब्दी गुजरने को आई और इस बीच में इस देश को आज़ादी भी दिला करके गई। और आज जब अनेकों ऐसी हुतात्माओं के त्याग, समर्पण, कुर्बानी की नींव पर अपने आज़ाद भारत का भवन खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन अपने आप से प्रश्न पूछना लाजमी हो जाता है कि उस आज़ाद भारत के साथ हम लोग कितना न्याय कर पा रहे हैं। यदि उनमें से कोई आत्मा जिनके कारण आज हमारी सांसें सुरक्षित हैं, हमारी सांसों पर किसी का अधिकार नहीं है, हम लोग दिन और रात चैन से गुजार सकते हैं, एक आज़ाद भारत में आज़ाद व्यक्ति की तरह से रह सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसे में उनमें से कोई आत्मा लौट कर के आए और हमसे पूछे कि जो हमने तुम्हें तिरंगा लौटाया था, जो भारत हम तुम्हें सुपुर्द करके गए थे, उसके साथ आप लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हो। उनमें से कोई लौट करके आए। आप कल्पना करके देखो कि हम में से बहुत सारे बच्चे अभी जो यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे थे, उनने अपने जीवन का 25वां बसंत नहीं देखा है। राजगुरु 22 वर्ष के थे जब उनको फांसी लगी, भगत सिंह 23 के थे, चंद्रशेखर आज़ाद 24 के थे जब उन्हें गोलियां खानी पड़ी। उनमें से किसी की माँ को तो लगा होगा ना कि मेरा बच्चा अब लौट करके आने वाला नहीं, मेरा भगत अब लौट करके नहीं आएगा। आप कल्पना करके देखो, हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है, अभी खबर आ जाए तो सब कुछ छोड़ करके हम भागते हैं, चाहे बैंडेड लगाने के लिए जाना हो। और उस माँ को तो भगत सिंह द्वारा नसीब भी नहीं हुआ होगा, उसके पास तो कभी लौट करके चंद्रशेखर आज़ाद आए भी नहीं होंगे। उनको कैसा लगा होगा यदि उन आत्माओं में से कोई लौट करके आए। अब कभी जालियांवाला बाग जाओ और वहाँ जा करके उन लोगों को देखो जिन 379 लोगों ने अपने प्राणों को त्यागा था, उन 1200 लोगों को देखो जिनके एक एक अंग वहाँ पर काट लिए गए थे। उनमें से कोई लौट करके आए और हमसे पूछे कि जो तिरंगा, जो भारत, जो देश हम तुम्हें सुपुर्द करके गए थे, उसके साथ आप लोग कैसा व्यवहार कर रहे हो, उसके साथ न्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देते समय में हमारी जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, हमारी आंखें शर्म से झुकनी नहीं चाहिए। मुझे पता है कि बहुतों के ऊपर इस प्रश्न का कोई असर नहीं होता,
उनके सपनों में अमेरिका बसता है, उनके हृदय से भावनाएं विदा हो गई, राष्ट्र संस्कृति अस्मिता ये उनकी सोच में नहीं। बहुतों से आप बात करके देखो तो उनके ख्वाबों में सपने घूमते हैं, ये बात चलेगी तो एक दूसरे को कनखियों से देखेंगे, मुस्कुराएंगे, अपने फ़ोन में लग जाएंगे, या थोड़ी तलखी होगी तो थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर के बैठ जाएंगे, सिंसियर होकर के बैठ जाएंगे, फिर उसी काम में लग जाएंगे। बहुतों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि अरे ये भी शुरू हो गए वही बात कहने के लिए। पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, उनको उनकी उदासीनता मुबारक हो, पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके हृदय में अभी भी कहीं राष्ट्रीयता बसती, और उन लोगों को निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देते समय में चेहरा झुकाना पड़ेगा, क्योंकि आज एक आम भारतीय की फेहरिस्त में से राष्ट्र और राष्ट्रीयता विदा हो गए दोस्तों। मुझे कहते हुए दुख होता है, पर राष्ट्रीयता का अर्थ साल में एक बार भारत माता की जय बोलकर और तिरंगा लहराकर अपने अपने दड़बे में घुस जाना नहीं होता। राष्ट्रीयता का अर्थ मुंह पर तिरंगा पोतकर मोमबत्ती लेकर मार्च करना नहीं होता, राष्ट्रीयता का अर्थ ही नहीं होता दोस्तों। राष्ट्रीयता का अर्थ राष्ट्र के लिए एकनिष्ठ भक्ति से एकनिष्ठ निष्ठा से निरंतर सोचना होता है। और आज दुर्भाग्य से आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये भारत उस राष्ट्रीयता की तड़प करता ढूंढता खोजता नजर आता है। ये फूट, ये विभाजन, ये भाषाओं के नाम पर बढ़ता देश, ये प्रांत के नाम पर बढ़ता देश, ये जाति के नाम पर बढ़ता देश, ये धर्म संप्रदाय के नाम पर बढ़ता देश, ये अपना देश नहीं है दोस्तों, ये देश नहीं है। यहाँ पर बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खान ने साथ साथ मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते नजर आते हैं, अशिक्षा, बेरोजगारी, गंदगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार, के यही से आज़ाद भारत की गवाही हमारे लिए रह गए? इन्हीं के लिए उन हुतात्माओं ने, उन्हें पुण्यात्माओं ने अपने शरीर को त्यागा था? उनमें से कोई लौट करके आए उस वातावरण को देखे कि जहाँ पर कभी अर्जुन, जहाँ पर कभी छत्रसाल, इन लोगों ने मातृवत पर्दा रेशु के भाव को जिंदा किया था? पढ़ करके देखो, उर्वशी जब सामने आ गई तो अर्जुन ने उनके पैर छुए, जब छत्रपति शिवाजी निकले और गोहरबानों को पकड़ करके लाए तो छत्रपति शिवाजी ने गोहरबानों के पैर छुए और कहा कि जीजाबाई भी इतनी सुंदर हुई होती तो ये शिवाजी भी सुंदर होता। क्या भाव उनके मन में रहा होगा? छत्रसाल, छत्रसाल की कहानी को आप सुनोगे तो आपके मन में गर्व आ जाएगा। छत्रसाल के ऊपर एक युवती मोहित हो गई और उनके पास आकर के उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा लड़का मेरा भी हो, मुझसे शादी कर लीजिए। छत्रसाल ने उत्तर दिया कि माँ, उसके लिए इंतजार करने की क्या आवश्यकता है, मैं अभी आपका पुत्र बन जाता हूँ, अभी आपका पुत्र बन जाता हूँ। आप कल्पना करके देखो कि उनके मन में कितनी पवित्रता रही होगी। उनने कहा कि यदि मैं आप में से शादी कर भी लें तो इस बात की गारंटी नहीं है कि जो पुत्र होगा उसमें सारे गुण मेरे जैसे होंगे। बोले यदि आप अभी मेरे को अपना पुत्र मान लें तो आज की तारीख में ही मैं आपको अपनी माँ घोषित करता हूँ। और आज सड़क पर कहीं कोई बहन छिड़ रही हो तो बचाने के लिए भाई तो नहीं आते, कसाई जरूर निकल आते हैं। आप कल्पना करके देखो लखनऊ में क्या घटा। लखनऊ में कैंसर से पीड़ित लड़की है, उसके साथ किसी ने दुराचार करा और जब कोई और वो किसी के पास हेल्प मांगने के लिए गई तो चार और आ गए वहाँ पर। ये इस देश की नीति नहीं हो सकती दोस्तों। इस देश की सच्ची आज़ादी की लड़ाई भी बाकी है और वो हमको और आपको लड़नी है दोस्तों। वो लोग हमें देश आज़ाद करा करके दे गए हैं, वो हमें भूमि का टुकड़ा दे गए हैं, पर इस देश को इसकी अस्मिता लौटाने के लिए हम उन्हें दोबारा कब्र में से तो निकाल करके नहीं लाने वाले हैं ना कि चलिए भगत सिंह अब आपको दोबारा से इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए तो हम में से प्रत्येक को अपनी अस्मिता को फिर से जगाना होगा। इसके लिए तो हम में से प्रत्येक को अपनी राष्ट्रीयता को फिर से खोजना होगा। अपने दिल में कहीं गहरे टटोल करके ये याद करना होगा कि हम लोगों की राष्ट्रीयता साल में एक दिन एक घंटे का मनाने वाला पर्व नहीं है, हर दिन याद करने वाला भाव है और उसको हमें अपने अंदर गहरे जगाने की आवश्यकता है। यदि उसको हम अपने अंदर गहरे जगाते हैं दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर आना और इस कार्यक्रम को करना, इस भाव को यहाँ पर अपने साथ सहेज कर ले जाना सार्थक हो सकेगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था, बस यही बातें कहना चाहता था दोस्तों कि हम लोग आज़ाद भारत में हैं तो हमें आज़ादी की फिर से नई व्याख्या करनी होगी। अंत में फिर से शुभकामनाओं के साथ एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है, रामप्रसाद बिस्मिल मेरे प्रिय कवियों में से रहे और फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले उनने कविता लिखी थी, बड़ी प्यारी कविता लिखी थी। एक दिन पहले आप मनस्थिति की कल्पना करना कि एक दिन पहले जब उनको मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी उस समय में उनने कविता लिखी। वो जो कविता उनने लिखी, लिखने को ऐसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो उनकी लिखी हुई है। न चाहूँ मान दुनिया से न चाहूँ स्वर्ग को जाना,
मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। ये भी बिस्मिल की लिखी हुई है, पर ये वाली जो कविता है उनकी अंतिम क्षणों की कविता है। यही सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, पूरी तो मुझे अब याद नहीं, जितनी याद है उतनी सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। भगवान के लिए उनने पत्र लिखा था और पत्र के अंत में पंक्तियाँ थी। उनने लिखा, जगदीश यह विनय है, जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते तब प्राण तन से निकले। कि जब मर रहा हूँ तब मुँह से तब भी भारत का नाम निकल रहा हूँ। बोले जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, जय जय स्वदेश रटते यह प्राण तन से निकले, भारत वसुंधरा पर सुख शांति संयुता पर, शुचिष्ठ श्यामला पर यह प्राण तन से निकले, भारत का चित्रपट हो युग नेत्र के निकट हो, श्री जाह्नवी का तट हो तब प्राण तन से निकले, दुख दैन्य पर विजय हो अज्ञान रात्र क्षय हो, भारत समृद्धिमय हो तब प्राण तन से निकले। देशाभिमान करते मर रहा हूं तब भी देश की चिंता हो, देशाभिमान करते मन मात्र भक्त भरते, जय जय स्वदेश रटते तब प्राण तन से निकले। आप कल्पना करके देखो कि जिस व्यक्ति के मन में भावनाएं थी वो हमें देश दे करके गए हैं, और उस देश को सहेज करके रखना हमें से प्रत्येक की जिम्मेवारी है। और ये बातें दोस्तों आपसे इसलिए कहीं क्योंकि मुझे पता है कि और कहीं राष्ट्रीयता सुरक्षित हो न हो, पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दरवाजों के भीतर वो निश्चित रूप से गर्व के साथ आंखें घुमा करके चलती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे भाव को सुरक्षित रखने वाले विद्यार्थी और शिक्षक मात्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शांति कुंज में गायत्री परिवार में वास किया करते हैं। तो एक बार फिर से इस देश को, उसकी आज़ादी के भाव को, स्वाभिमान को लौटाने की जिम्मेवारी हमारी है। इस भाव को लेकर के हम लोग यहाँ से विदा हों, यही शुभकामना है, यही मंगल कामना है।